बहुत सारे लड़के मेरे पास में आते हैं, बोलते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड या पत्नी बोलती है कि उनका जो वीर्य है उसकी मात्रा कम है या जितनी चाहिए उतनी नहीं है और उनका समाधान होता नहीं है, इसके लिए आते हैं। तो उसके बारे में मैं आज बातचीत करूंगा। मैं उनको पूछता हूं कि भाई उनको कैसे मालूम कितना गिरा कितना नहीं गिरा। तो एक्चुअली मालूम तो नहीं पड़ता है कि 1.5 ml हो गया कि 2 ml हो गया कि 5 ml हो गया, ऐसा मालूम तो नहीं पड़ता है, मगर तभी भी वो गेस करती है कि कितना हुआ कितना पड़ा। तो आइए उसके बारे में बात करता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एक इंटरकोर्स में 1.5 से 5 ml तक वीर्य गिरता है, 1.5 से 5 ml। 1 ml में 60 से 120 मिलियन शुक्राणु रहते हैं, मतलब 6 करोड़ से 12 करोड़ शुक्राणु 1 ml में। इसका मतलब ये हो गया कि 18 से 30 करोड़ या 36 करोड़ तक शुक्राणु पूरे एक इंटरकोर्स में अंदर जाते हैं। 18 से 36 करोड़, उसमें क्या चाहिए, कितना एक ही चाहिए स्त्री बीज को मिलने के लिए। एक स्त्री बीज को एक पुरुष बीज मिलता है तो बच्चा पैदा होता है। टोटल लाइफ स्पैन में पूरे जिंदगी में आदमी 52 लीटर 52 लीटर्स का वीर्य गमाता है। एक जब इंटरकोर्स में जब वीर्य निकलता है बाहर, तो जितने भी उसमें शुक्राणु है 60 से 120 मिलियन, उसमें से कम 60% 60% अच्छे शेप में होना जरूरी है। और शेप का मतलब उनका हेड, नेक और टेल, सिर, गर्दन और पूंछ, ऐसा होना जरूरी है। और वो मोटाई मोटिलिटी होना जरूरी है, मतलब हिलना, वो तैरते हैं शुक्राणु जो है वो तैरते हैं वो वीर्य में, तो वो तैरना उनका एकदम एक्टिव रहना जरूरी है, तो फिर गर्भधारण होती है। अब सवाल आ गया कि वॉल्यूम महत्व का है क्या, मात्रा महत्व की है क्या, कितना वॉल्यूम, 1.5 हो गया तो कम, 5 ml हो गया तो अच्छा समाधान, ऐसा कुछ है क्या। 240 औरतों की स्टडी किया स्विट्जरलैंड में, 240, 20 से 60 वर्ष की उनकी उम्र थी, एवरेज में 27 थी। 65% औरतें रिलेशनशिप में थी, पहले 50 महीने तक 50 मंथ्स रिलेशनशिप में थी, उनके सेक्सुअल संबंध अच्छे थे, चालू थे। उनका इंटरव्यू लिया गया और उनको पूछा कि उनको क्या लगता है, तो 50% औरतों ने यह कहा कि ड्यूरिंग इंटरकोर्स पतन होना उनके लिए मायने रखता है, मतलब आदमी का पतन होना जरूरी है, इजैकुलेशन होना जरूरी है, क्योंकि इजैकुलेशन जब होता है तो आदमी को भी इंटेंसिटी ऑफ ऑर्गेजम अच्छी होती है। जब इजैकुलेट होता है तो आदमी को भी अच्छा लगता है, पुरुष को भी बहुत मजा आती है उसमें जब इजैकुलेट होता है तो, और वो जो बाय फोर्स जो जोर से वो इंटरकोर्स करता है तो उस समय औरत को भी बहुत उसमें इंटेंस ऑर्गेजम होता है, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है उसमें, बहुत चरम सुख जो है वो अंतिम सीमा तक पहुँच जाती है। तो अंतिम सीमा तक पहुँचना मतलब क्या है कि उसको अति आनंद आना, उसमें उस समय चीखना चिल्लाना या जोर जोर से पकड़ के रखना, आंखें बंद करके आवाज करना, मतलब इस तरह का इंटेंस ऑर्गेजम उनको आता है तो उनको उसमें मजा आती है। और 50% औरतों ने यह कहा कि भाई ड्यूरिंग इंटरकोर्स पतन होना जरूरी है, बाकी उनको वॉल्यूम का कोई लेना देना है नहीं। 38% औरतें ऐसे थे कि उन्होंने बाकी कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा कि हमको वॉल्यूम का कोई महत्व ही नहीं है, वॉल्यूम डजेंट मैटर, कितना वॉल्यूम आता है कितनी मात्रा रहती है वीर्य की उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर 14% औरतों ने यह कहा कि उनके लिए वॉल्यूम मायने रखता है, ज़्यादा वॉल्यूम पड़ा तो उनको अच्छा लगता है, ऐसा उन्होंने कहा। 18% औरत जो थी उन्होंने कहा कि उनका खुद का समाधान होने के पहले पार्टनर का समाधान हो गया तो उनको अच्छा लगता है। और 28% औरतों ने यह कहा कि पार्टनर के पहले उनका समाधान, खुद का समाधान होना उन्हें अच्छा लगता है। तो ऐसे आंकड़े देख के टेक होम क्या है, टेक होम में से यह है कि अल्टीमेटली वॉल्यूम डजंट मैटर, कितनी मात्रा है वो कोई मैटर करता नहीं, वो कोई मायने रखता नहीं है। इजैकुलेशन होना मायने रखता है, पुरुष का समाधान हो इजैकुलेशन में बहुत ज़्यादा होता है, क्लाइमैक्स या ऑर्गेजम तब होता है जब वो इजैकुलेट करता है, तो वो होना महत्व का है। वो जब उसको होता है तो औरत को भी उतनी मजा आती है, उसको भी बहुत ज़्यादा उसमें अत्यंत आनंद आता है, उसका भी ऑर्गेजम होता है और उसको भी उसमें बहुत सुख समाधान मिलता है। तो एक्चुअली रियली स्पीकिंग मात्रा जो है, वॉल्यूम जो है वीर्य की, वो मैटर करती नहीं है, दोनों का समाधान होना आवश्यक है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है, वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स
उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।